चुनाव का क्या महत्व है आपको समझना, इन नौजवानों के भविष्य इस चुनाव पर निर्भर है। हम कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं भविष्य में, हम कैसे मध्य प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। शिवराज जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए मैं कोविड की सहायता के लिए दे रहा हूँ, यह कोई है इसको 10 रुपए भी नहीं है, 20 लाख करोड़ आपने सुना था ना, 20 लाख करोड़ रुपए। शिवराज कह रहे हैं जो भी मजदूर आए हैं, जो भी मजदूर आए हैं उनको भट्टा तो कुछ तो नाम बता रहे हैं। हमने जब कर्जा माफ किया 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, एक एक किसान का टेलीफोन नंबर, एक एक किसान का नाम और गांव मेरे पास है, सबका नहीं हुआ मैं मानता हूं, हमने शुरुआत करी थी 31 मार्च तक उसका दूसरा किस्त होना था और 1 जून से तीसरा किस्त, पर 26 लाख का तो हुआ। हम पूरा करके अपनी सरकार बनेगी, हम पूरा करेंगे, ये हमारा मतलब किसानों की आर्थिक मजबूती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किराने की दुकान जो गांव में है वो चले, वो तभी चलेगी जब किसान के पास जेब में कुछ होगा, उसको खर्च करने के लिए उसकी क्रय शक्ति होगी, खरीदने की ताकत होगी। तो किसान से केवल किसान नहीं जुड़ा, उसका परिवार नहीं जुड़ा, वो तो जुड़ा ही है, पर किराने की दुकान भी जुड़ी, ये बाजार भी जो है आपके बमोरी का बाजार, ये भोपाल से कोई नहीं जाता, ग्वालियर से कोई नहीं जाता, ये तो किसान जो जाता है वही आपके बमोरी का बाजार चलता है। तो जब तक किसान के पास क्रय शक्ति न हो, खरीदने की ताकत ना हो, हमारी अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती। हमारे नौजवान आज देश भर में मजदूरी कर रहे हैं, आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा, केरला का मजदूर देखा है, तमिलनाडु का मजदूर देखा है, कर्नाटक का मजदूर देखा है, केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 4-5 प्रदेशों की मजदूरी है। ये आज हमारी हालत है, 15 साल जो बीजेपी ने हमारे नौजवानों के भविष्य को उपेक्षित रखा है, ये मेरा प्रयास था कि हमें देश और 11.5 महीने में जो हो सका हमने ईमानदारी से प्रयास किया। कोई कहेगा ये नहीं किया, कोई कहेगा आलोचना करेगा, मैं आलोचना के लिए तैयार हूं। बहुत कुछ चीजों का शुरुआत नहीं हो सका, बहुत चीजें जो शुरू करी हाँ वो आगे नहीं कर पाए। 11.5 महीने में होता क्या, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, जो IAS IPS ऑफिसर 15 साल पहले बना था उसने तो केवल बीजेपी देखी थी, प्रशासन केवल एक तरीका जानता था, ये सत्य है। तो आज केवल मोदी के लिए, पर मैं मध्य प्रदेश के हर मतदाता पर मुझे विश्वास है, बोला वाला है, शरीफ है, सीधा साधा है और समझदार है, आपसे ज्यादा समझदार है, उनको आप नहीं सिखा सकते, चुप रहेगा, राजनीति से उसे कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं, पर समझता है। और मुझे पूरे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश का नया पक्ष नक्शा बनाएंगे, मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश के मतदाता मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, और सबसे बड़ी चीज सच्चाई का साथ देंगे। जैसे आप सब आए हैं, आप सच्चाई आपको यकीन है, जो तस्वीर आपने देखी है वो आपको खींची नहीं है, और मुझे विश्वास है बमोरी में नहीं पूरे गुना अशोकनगर में एक सबक सिखाएंगे कि हम प्रजातंत्र और संविधान की कदर करते हैं। संविधान ने बनाया, हमारे पूज्य डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा अपने देश में जहां सौदे से सरकार बन जाएगी, जहां खरीदने से सरकार बन जाएगी। अगर उन्होंने इतने स्वप्न थे हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के, हमारी पहली लोकसभा ने जिसने हमारा संविधान बनाया, उनको ऐसा
ऐसी होश नहीं थी कि अपने देश में भी ऐसा हो सकता है। हम उनका सम्मान करेंगे और मैं मध्य प्रदेश का झंडा, हमारे कांग्रेस का झंडा फिर से मध्य प्रदेश की मेरा माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि जो बमोली के करीब 400 लोग यहाँ उपस्थित हैं, कृपया उनको भी अपनी सदस्यता से मतलब मंजूरी देने की कृपा करें। कांग्रेस की पार्षद आपका स्वागत है, स्वीकृति तो है पर साथ साथ आपका स्वागत है। इसलिए मैंने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप मुझे देख के नहीं कांग्रेस को देखते, आप संख्याएं देख के यहाँ उपस्थित हैं। मंडल अध्यक्ष करीब 8, जनपद सदस्य 5। मैं एक चीज बता दूँ, आज जो कांग्रेस की सदस्य ग्रहण कर रहे हैं, उनमें वर्तमान में जो जनपद सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है, जिला पंचायत की सदस्य जो वर्तमान में है उनकी 2 है, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी 1, मंडल अध्यक्ष गुना मंडल के जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है उनकी संख्या 10 है, युवा मोर्चे के वर्तमान में जो महामंत्री उनकी संख्या 2 है, पूर्व पदाधिकारी मंडल जो उपाध्यक्ष वगैरह है उनकी संख्या 25 है, वन समिति के अध्यक्ष अभी यहाँ उपस्थित है कलजी जी उनकी संख्या 1 है, 2 पूर्व रंजन वशिष्ठ जी और सोनी जी यहाँ पर उपस्थित है, पूर्व बीजेपी किसान मोर्चे के पदाधिकारियों की संख्या 25 है, पूर्व सरपंच करीब अभी यहाँ 20 है, पूर्व पालक और संयोजक जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है उनकी संख्या 20 है, तो करीब 250 से अधिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। तो आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मैं आगे जाके मिल लेता हूँ, बाकी लोग रहे, आप लोग यहीं बैठे रहे अभी।